सुंदरबन की ब्लॉगर नए की वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और हम तैयार हो रहे हैं मंजिल माता की लाना है। मंजिल माता मंदिर गया सोमवार है, तो अचानक से जब हम मन भाव की चलो आज मंदिर चलो, हम तैयार हो रहे हैं। और हमारा जो शौक है तो बहुत बड़ो जो नजर आ रहा है ये इतनी सारी बिंदी, हमें सबसे ज़्यादा शौक है शादी के बाद तू बिंदी लगाओ, मतलब बिंदी नई नई तरीके की नई नई डिजाइन की, तो ज़्यादातर ऐसी कोई बिंदी डिजाइन की नहीं बची जो हमने लगाई हुई, तो हमने बहुत बहुत सारी डिजाइन लगा ली। और अब लेकिन समझ में नहीं आ रहा है जी सब पुरानी हो गई, तो अब कहूँ जा तो जब ज़्यादातर सब डिजाइन की लगाई चुकी तो मन की मिलती नहीं है, कोई मिलती ही लगी लगाई रहती, तो अब ये नहीं से काम चला रहे। या फिर कहूँ भगवान ने चाहिए कहूँ घूमन गई मन की बिंदी में लगाई तो और लिया। और काफ़ी उमद वाली गर्मी रहती तो हम जल्दी से ऐसी साड़ी लपेट ली, तो पहले सूजी तैयार हो या थोड़ी वीडियो बना ले, फिर उनके बात कर चुका रहे हैं। तो बस साड़ी लपेटे के बाद अब ढूंढ रहे हम साड़ी पिन, तो जब वाली साड़ी बहुत दिन में पहनी और मंदिर जा रहे थे तो हमने कही जय वाली सुंदर लगे, और इखा बहुत दिन में पहनूँ और जो यही पूजा पाठ के हिसाब से ज़्यादा ही सही है। वैसे ही थोड़ी डार्क कलर है और लाल भी है, तो जी लाल पीली ज़्यादा पूजा पाठ में चलती है हमारे साइड। और बस इतना पे हम माला पहन ले रहे, पहले तो खाली गल हो तो अब जा रहे थे तो हमें चलो माला पहन ले रहे, और बीच से मांग निकाल के पूरी मांग भरी आज। तो आज बन रहे नाश्ता में अप्पे गोलगप्पे, हटो हमारे अप्पे दिखा। तो ये बन रहे आज अप्पे, और इनका अप्पे का सरिया बोला से बोला क्या बोला, ये जाता है अनुलवी के पापा श्री। श्री। तो जो तो जे बना रहे आज अप्पे, हम तैयार हुए गर्मी लगा रही तो जे कह रहा है कि तुम रहन दो हम बना रहे, तो जे बना रहे आजकल बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे भी हमारी, पता नहीं काय खुश है आदमी कहते ना आती हो तो प्रसन्न है, आज हमारी दियो तो अभी बहुत प्रसन्न है, काम काज कर रहे मतलब ज्यादातर भी हेल्प करा ली, जब से थोड़ी दिक्कत होने लगी हमें तो ज्यादातर हेल्प करा ली। और आज बोलो लास्ट देखो कैसे हो रहे थे तो बस अनमोल लास्ट पास हो रहे जबरदस्ती, वो कुछ दिक्कत नहीं है उन्हें। और आज हम लोगों ने बहुत शॉर्ट वीडियो डाली है, आप लोग का कैसी लगी कमेंट में बताइयो, और जी जी ने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लइयो। और मौसम अच्छा है तो लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बेकार होने लगो, आँच आ गई धूप निकली नहीं है, आँच वाली गर्मी सी नहीं होती वैसे ही हो रही। और मतलब ये पापा का ठसका लग गया तो अचानक से जो खांस रहे, अभी इंतजार कर रहे थे बाहर खड़े तो कह रहे चलो इनसे कह रहे कपड़ा चेंज कर लो, जी कह रहे गर्मी है हमें मंदिर जाना चाहे लेकिन चेंज नहीं करना है, इनमें कपड़ा में ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा, तो जे कम्फर्टेबल के हिसाब से जा रहे अपनी सुविधा देख के। और हम वीडियो बना रहे जी दो जन निकल रहे और काफ़ी अच्छे लग रहे, तो बस बीच बीच में जो आँच लग रही थी ना वहाँ आँच बहुत ज़्यादा खल रही थी। और देखो इतना पेड़ भी लगे अच्छो मैदान भी है, थोड़ी बारिश हो गई थी तो इतना पर खेत नहीं जो घास वगैरह काफ़ी हो गए, और मंदिर में भीड़ भी है, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि आज इतनी ज़्यादा भीड़ हुई है मंदिर में, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सोमवार सावन के सोमवार तो अब वैसे भी आ रहे तो अब और ज़्यादा भीड़ हुई है। और अनमोला भी के पापा का कोई को कॉल आ गया तो जे बात कर रहे थे, तो हमने कही चलो जब तक हम अपना वीडियो शूट कर लें। काफ़ी दूर दूर से यात्री आते जैसे निवाड़ी झांसी और बहुत आसपास गांव हैं और ऐसे पे भी, और तो मंदिर में आज काफ़ी भीड़ थी तो हमने परिक्रमा लगाओ, और फिर जो लाइन में लगने आते ना उस साइड नहीं गए थे हम, और हम सीधे ऐसी परिक्रमा लगा के आ गए थे। और ये नारियल ही संबंधी जैसे कि कोई की इच्छा है तो 5 नारियल लो और उनमें अपनों मतलब जो भी इच्छा है वो सोच के लो और 5 नारियल बांध दो, या फिर ऐसा कर लो कि एक कोई भी अगरबत्ती की पॉलीथीन लो मैं अपनी मन्नत मान के बांध दूँ। हम लोग घर पे आ गए, बहुत बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, चीटी सी काट रही थी जब धूप आ रही थी, और हम सही सोच गए थे और ज़्यादातर हम यही सोचा थे जब पहुँच जाते हैं तो या तो रिलेशन में जाओ तो अभी ठीक ठाक सामान पहनना चाहिए सोने की चांदी की। और मंदिर में हम पहुँचे
तो ते पे लंग सूर तो और ज़्यादातर हर एक मंदिर में लंग सूर, और अगर नहीं भी उड़ो कहूँ तो अपनी सोच के हिसाब से इतनी तो सोच लगा लो चाहिए दिमाग कि मंदिर में कोई ऐसा तो मिलना नहीं है कि भैया कोई कहे कि सोने चांदी को नहीं पहने, अच्छे नहीं पहने। और आजकल आर्टिफिशियल भी चीज़ें छोटी छोटी मोती वाली आती, डिजाइन वाली आती, धागा वाली आती, हर एक चीज़ की आती। तो अपनी पसंद के हिसाब से कोई बेंटेक्स को आइटम पहन लूँ या फिर मोती वाले पहन लूँ। वो तो गए पहला पूरा तो भी अपनी चीज़ों की सुरक्षा खुद करें, अगर कुछ खो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और फिर अब घर पे आए, अपनी फ़ोन में न्यूज में देखी तो जहाँ मंदिर गए थे हम, मंदिर से थोड़ी ही दूर चल के रास्ता में होते पे अच्छी खासी भीड़ रहे, 24 घंटे रोड चला देता है वो। तो होते पे एक औरत को मंगलसूत्र और एक पर्स चुरा के भाग गए, टू व्हीलर से आते दो जने। तो यही से मतलब ज़्यादातर चीज़ें तो पहन ही ना चाहिए ऐसी जगह में, और अगर पहन जा रहे तो उसे कोई अपन का फ़ायदा नहीं है। अगर भगवान ना करे रास्ता में टूट ही गाओ, गिर गाओ या कोई ने छीन लो तो घाटा नुकसान अपने ही को है। यही से हम ये पहन गए थे कान की, और खाली गलो होते तो हमें अच्छा ना लगा, तो जो माला पहन लो तो, और कंगन तो वही घर वाले थे, पीली चूड़ी पर डाल रही थी, कैसे पीली साड़ी पहने थी। और मंदिर से आकर थोड़ी प्यास लग रही थी तो बोर चला कर बढ़िया ताजे पानी पी लो। अब अनमोल नहीं गए थे मंदिर तो अनमोल कह रहे आप लोग बैठ गया, हम आप लोग पिलानी पानी बना रहे, तो अनमोल सिकंजी बना रहे नींबू और शक्कर नमक और पुदीना सब खट्टू डाल के। तो सिकंजी भी बोल सका शरबत भी, तो हम शरबत बोलत ज़्यादातर ताकि लोग सिकंजी बोलते।